हाय फ्रेंड्स आज देखेंगे अपन डिस्काउंट डिस्काउंट का सेकंड नंबर का लेक्चर जैसे कि कल देखा था फर्स्ट नंबर का लेक्चर फर्स्ट नंबर में अपन ने डिस्काउंट में लिस्ट प्राइस दी हुई रहती तो उसके ऊपर लिस्ट प्राइस दी हुई रहती और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ रहता तब डिस्काउंट की अमाउंट निकाली और सेलिंग प्राइस निकाली अब जो ये सेकंड नंबर का एग्जांपल है इसमें निकालना पड़ता है जैसे कि ऊपर दिया हुआ है रेट ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट का रेट पहले एग्जाम्पल में डिस्काउंट का रेट दिया हुआ रहता था अमाउंट निकाल लेते थे, थे. इसमें इस डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा उसकी अमाउंट निकालनी पड़ेंगे ठीक है या तो फिर कभी कभी डिस्काउंट निकालना पड़ता अमाउंट से जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे फार्मूला फर्स्ट नंबर का रेट ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट का रेट निकालने के लिए फार्मूला डिस्काउंट अपॉन एल पी लिस्ट प्राइस लिस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस रहती डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इज इगल टू डिस्काउंट अपॉन एल पी इंटू हंड्रेड डिस्काउंट भागेला लिस्ट प्राइस यानी गुने लंबर हा फॉर्मूला कैसे था ये फॉर्मूला रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने का ठीक है और सेकंड नंबर का फॉर्मूला है डिस्काउंट इन अमाउंट फिर अभी डिस्काउंट की अमाउंट पता करने का ठीक है डिस्काउंट की अमाउंट पता करने के लिए फॉर्मूला है यल पी माइनस एसपी लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जैसे कि कल का फॉर्मूला था डिस्काउंट का कल का डिस्काउंट का फॉर्मूला था लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट जब रेट ऑफ डिस्काउंट दिया, दिया रहेगा तब तो. जब रेट दिया नहीं रहता तब डिस्काउंट का फॉर्मूला डिस्काउंट इन अमाउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ठीक है फिर अभी क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मार्केट प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल की मार्केट प्राइस है इज रुप तेरह हजार पांच सौ तेरह हजार पांच सौ मार्केट प्राइस है टेबल की डाइनिंग टेबल की इट इज सोल्ड फॉर रुपीज जबकि अपन ने वो बेच दिया सोल्ड कर दिया अठारह हजार आठ सौ अंसी में एलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एटी रुपीज में भेज दिया वो आफ्टर अलाउिंग सर्टेन डिस्काउंट फिर डिस्काउंट अलाउड हुआ मतलब डिस्काउंट की अमाउंट देखने है और फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट का रेट देखना है यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट निकालनी है और डिस्काउंट के अमाउंट के ऊपर से डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने है कि कितने परसेंट में डिस्काउंट मिला हुआ है ठीक है फिर रेट ऑफ पर रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना पड़ेगा जैसे कि ऊपर दो फार्मूले दिए वो फार्मूले के अनुसार अब निकालेंगे आंसर फिर अभी आंसर आंसर निकालेंगे आंसर इज इगल टू ठीक है फिर अभी सबसे पहले मार्केट प्राइस दी हुई डाइनिंग टेबल की तेरह हजार पाँच सौ ठीक है फिर इसके ऊपर नीचे दिया हुआ इट्स सोल्ड सोल्ड किया डाइनिंग टेबल अठारह हज़ार आठ सौ अंसी में ठीक है तेरह हज़ार पाँच सौ में टेबल लिया मार्केट प्राइस लिस्ट प्राइस और सोल्ड कर दिया अठारह हजार आठ सौ अंसी फिर सबसे पहले सबसे पहले निकालेंगे उसकी लिस्ट प्राइस देखेंगे लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू यल पी ऑफ डाइनिंग टेबल एल पी ऑफ डाइनिंग टेबल लिस्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल लिस्ट प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल के 13500 13500 और उसके नीचे लिखेंगे एसपी ऑफ डाइनिंग टेबल सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल सेलिंग प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल 11880 11880 ठीक है अभी े लिस्ट प्राइस है बोले तो लिस्ट प्राइस परचेस प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है इसलिए यहां पे डिस्काउंट अलाउड हुआ है फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू नीचे के लाइन में ए एम टी ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट पहले अमाउंट में निकालेंगे फिर परसेंटेज में रेट में निकालेंगे फिर डिस्काउंट ऑफ अमाउंट इज इगल टू फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर डिस्काउंट इन अमाउंट इज इगल टू एल पी माइनस एस पी लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस एल पी माइनस एस पी फिर नीचे उनके प्राइस डालेंगे अमाउंट डालेंगे फिर लिस्ट प्राइस है तेरह हजार पाँच सौ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस अकड़ा हजार आठ सौ एलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एटी ठीक है फिर अभी सोलह सौ बीस क्या मिला डिस्काउंट अमाउंट में मिला डिस्काउंट इन अमाउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट की क्या मिली इसके ऊपर से अमाउंट ठीक है डिस्काउंट का फॉर्मूला जैसे यहां पे दिया हुआ है लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस उसमें उसके अमाउंट डाल दिए फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिली सोलह सो बीस एक हजार सौ बीस ठीक है अभी डिस्काउंट परसेंटेज में निकालने का रेट में निकालने का ठीक है फिर दूसरा पहला ऊपर वाला फॉर्मूला रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू फिर नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट का रेट रेट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट ठीक है फिर उसका फॉर्मूला नीचे जैसे कि ऊपर दिया हुआ है डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इन हंड्रेड रेट ऑफ डिस्काउंट इज इगल टू रेट ऑफ डिस्काउंट इज इगल टू डिस्काउंट डिस्काउंट अफऑन एल लिस्ट प्राइस एल लिस्ट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस इंटू हंड्रेड फिर डिस्काउंट कितना है आपने पास एक हजार छ सौ बीस सोलह सौ बीस एक हजार छ सौ बीस अफऑन एल लिस्ट प्राइस जैसे कि ऊपर दिए हुए तेरह हजार पांच सौ और इनटू हंड्रेड फिर इसके बाद सबसे लास्ट का कैलकुलेशन आ जाता है ट्वेल्व परसेंट कितना आ जाता है रेट ऑफ डिस्काउंट ट्वेल्व परसेंट बारह परसेंट फिर उसको नाम लिखेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इस प्रकार एट मार्क्स का एग्जाम्पल आ जाता है ऐसा एग्जाम लें डिस्काउंट में सबसे पहले डिस्काउंट निकाला फिर रेट ऑफ डिस्काउंट निकाला ठीक है ऐसे चार 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 मार्क्स के दो एग्जाम्पल बोले तो आठ मार्क्स के लिए ऐसे दो एग्जाम्पल आ जाती है ठीक है फिर और एक बार बताता रेट ऑफ डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट में फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्काउंट इंटू एल डिस्काउंट अपॉन ऑन एल पी इंटू हंड्रेड डिस्काउंट जितना मिला था एक हज़ार छः सौ बीस लिस्ट प्राइस तेरह हज़ार पाँच सौ इंटू हंड्रेड रेट ऑफ डिस्काउंट मिला ट्वेल्व परसेंट बारह परसेंट इस प्रकार अपना लेक्चर खत्म हुआ वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो